जो होती है दौड़े लगानी होती है, ये बताएं कोई टैलेंट है आप में? टैलेंट तो ये, मैंने ना स्मार्ट कर सैलून पे काम किया था ना, तो जितना टाइम मिलता नहीं फिर इसलिए इसी काम में दौड़े लगती हैं। बाकी अभी काम मैं स्टॉल पे कर रहा हूँ, इधर भी दौड़े लग रही हैं। पर सिंगिंग वगैरह आप कह रहे थे कि आपको बड़ी अच्छी कर लेते हैं। जी सिंगिंग कर, सिंगिंग तो अभी तो रमजान चल रहा है, सिंगिंग के अलावा कुछ और कुछ सुना सके, कोई कलाम? अभी मुझे वो याद नहीं अभी कि गाना मुझे आता है, मैं आपको सुना देता रमजान। ईद अगर समझ ले कि आज ईद है, ईद है तो फिर खुशी का देना, चलो आज गाना सुना देता हूँ। आगे आगे चले हम पीछे पीछे प्रीत मितवा, तेरे मेरे होंठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, अखियों में तू बस जा, अखियां मैं बंद कर लूं हो, तेरी नी बातों ने लिया मुझे गीत मितवा। थैंक यू सो मच, जबरदस्त था। ये बताएं सिंगिंग का शौक कब से पड़ा? ये मुझे शुरुआत से शौक था, अभी मेरी शुरुआत तब पैदा हुई उसी दिन से? नहीं अभी दो तीन दिन हो गया, मैं जा रहा हूँ उधर स्टूडियो में, इधर भी कस्टमर आके मेरे से सुनते हैं, और बाकी कल जाना मैंने स्टूडियो में जाके, उधर तैयारी करनी है, फिर आगे आस्ता आस्ता कदम। थैंक यू सो, वेलकम। तो अजी नाजीन, जैसे कि इनसे हमने बात की, इन्होंने भी बताया कि जब हमें अचानक का पता चलता है कि कल ईद है या रोज़ा है, तो हमें तो बहुत खुशी होती है। मुझे लोग इधर चलते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में।